अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर MongoDB डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले MongoDB डेटाबेस पे अकाउंट बनाना है। मैं कंप्लीट प्रोसेस का वीडियो जो है इसके साथ में अटैच कर देता हूँ, जो कि प्रीवियसली भी हम यूज करते हैं, सेम वीडियो को मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ ताकि आपको जो है सारा प्रोसेस यहाँ पर पता चल जाए। तो उसको फॉलो करेंगे तो उसके साथ में आप एक फ्री क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमको 512 MB का जो है डेटा मिलता है, जो कि इनफ है, बहुत से प्रोजेक्ट हमारे उसमें कंप्लीट हो जाते हैं। तो उसी का आप यूज करिए। अगर आपको लोकल यूज करना है तो लोकल के लिए सिंपल प्रोडक्ट्स पर क्लिक करिए और कम्युनिटी एडिशन आपको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आप क्या करें, इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉलेशन मैं नहीं बताने वाला, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ से देखिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद सिंपल इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, कॉम्पस भी यहाँ पर डाउनलोड करना है। सिंपली प्रोडक्ट्स में टूल्स में कॉम्पास का ऑप्शन भी मिलेगा, इस पर क्लिक करिए और इसको भी आप क्या करें, डाउनलोड करके रखें और इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप इसको डाउनलोड करिए। मैं एक बार ओपन करके इसको बता देता हूँ। MongoDB कॉम्पर कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस नजर आएगा। इनिशियली देखिए यहाँ पर लोकल होस्ट ये कनेक्ट करने के लिए कहता है। अगर आप लोकल डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो आप इस पोर्ट पे जो है कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको डेटाबेसेस शो करेंगे। फिलहाल मेरे पास कोई भी लोकल डेटाबेस नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एम्प्टी शो कर रहा है। बाय डिफॉल्ट इसके साथ में तीन डेटाबेस आते हैं, एडमिन, कॉन्फिग और लोकल। जैसे आप न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो मैनुअल आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है यहाँ पर हम प्रोजेक्ट के साथ में ही न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर जो है क्लाउड डेटाबेस का इस्तेमाल करने वाला हूँ। क्लाउड में देखिए हमको 512 MB फ्री मिलता है। जैसे कि आप ट्राई फ्री पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें साइन अप करना पड़ता है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो डायरेक्ट आप लॉग इन कर सकते हैं। प्राइसिंग अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको फ्री टियर भी मिलता है, यानी 512 MB आपको देखिए यहाँ पर शेयर्ड में फ्री मिलता है, जो कि इनफ है। 512 MB बहुत होता है क्योंकि यहाँ पर हम हॉबी प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं और नॉर्मल प्रोजेक्ट भी 512 MB में रन हो जाता है। सो डोंट वरी, जब आप कंपनीज में काम करेंगे तो आपको बाद में डेडिकेटेड या फिर सर्वरलेस फंक्शंस मिलेंगे, वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेंगी। अभी आप शेयर्ड वाले पार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट करिए, ट्राई फॉर फ्री। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको साइन अप के लिए पूछेगा। हमारे केस में देखिए हमारे पास ऑलरेडी इसका अकाउंट है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट साइन इन पर क्लिक करूंगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैं लॉग इन हो जाऊंगा। कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस नजर आएगा, लेकिन मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ दूसरे टैब में, तो ये मुझे डैशबोर्ड पर ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर लेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरफेस यहाँ पर आपको अलग देखने मिल सकता है, क्योंकि मेरे केस में ऑलरेडी यहाँ पर क्लस्टर है। क्लस्टर का मतलब क्या है कि आपको एक 512 MB का जो है डेटाबेस मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपने छोटे छोटे डेटाबेस या फिर कह लीजिए जितने भी आपको डेटाबेस बनाने हैं, इस 512 MB तक के अंदर कितने भी अनलिमिटेड डेटाबेस बना सकते हैं। हालांकि परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो होंगी, लेकिन इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए MongoDB डेटाबेस क्या है, NoSQL पे काम करता है और NoSQL में क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं, तो इनका साइज काफी KB में होता है। ठीक है, नॉर्मल अगर आप SQL का यूज करेंगे ना तो उसमें हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जेसन का और उसके अंदर कोई भी डेटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत बेसिक इसका पता होगा, नहीं भी पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली हम इसका यूज करने वाले हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। इसके बाद में देखिए आप क्रिएट पर क्लिक करिए। अगर आपने क्लस्टर अभी तक क्रिएट नहीं किया ना तो यहाँ पर शेड पर क्लिक करिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर सर्वर सेलेक्ट करना है, तो क्लाउड सर्वर AWS इनफ है, बहुत अच्छा चलता है, तो आप बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। उसके बाद में आपको जो भी रीजन है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेरे केस में मुंबई नियरेस्ट है तो यहाँ पर मैं मुंबई सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ पर सैंडबॉक्स में देखिए आपको क्लस्टर टीयर पूछता है, जो कि हमारे केस में फ्री है, इसको आपको एज इट इज रखना है। और हाँ, एक अकाउंट से आप सिर्फ एक ही जो है फ्री क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए बैकअप सेटिंग्स है, तो इसको ऑन मत करिए, फिर ये ज्यादा डेटा खाएगा और 512 MB जल्दी आपकी जो है खत्म हो जाएंगी, तो आप इसको अनचेक रखिए। उसके बाद में क्लस्टर डिटेल्स है, यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, रहने दीजिए, बाय डिफॉल्ट कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में इस क्रिएट वाले बटन पर क्लिक करिए तो आपको कुछ इस तरीके से क्लस्टर देखने मिल जाएगा और यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटस भी बताता है कैसे ये परफॉर्म कर रहा है, तो एनालिटिक्स अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क एक्सेस का, इस पर क्लिक करिए और अपना जो भी आईपी एड्रेस है ना उसको व्हाइट लिस्ट करिए। जैसे कि मेरे केस में देखिए मैंने लोकल होस्ट को भी यहाँ पर व्हाइट लिस्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा जो आईपी एड्रेस रहेगा, हम लोकल सिस्टम पे यूज कर रहे हैं और लोकल सिस्टम का कोई आईपी एड्रेस नहीं होता है, क्योंकि आप दूसरे सिस्टम में भी क्या करेंगे,
npm run कमांड लिखेंगे। अब उसका आईपी फिक्स नहीं रहता है, अगर आपका नेटवर्क चेंज होता रहता है बार बार तो फिर इससे हमको प्रॉब्लम होगी। अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं एक ऐड करके बताता हूँ, ऐड आईपी एड्रेस, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऐड करंट आईपी एड्रेस। अगर आप ये करेंगे ना इस पर क्लिक, तो आपका आईपी यहाँ पे शो करेंगे, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से मेरे केस में शो कर रहा है। लेकिन अगर आप इसका यूज करेंगे तो फिर अगर आपका आईपी चेंज हो जाएगा तो फिर आप इस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर आप क्या करें, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे 000 कुछ इस तरीके से ऐड करें, मैं इसको बड़ा करके बता देता हूँ एडिट, और यहाँ पे आपको क्या करना है 0.0.0.0। इसका मतलब क्या होता है, लोकल होस्ट, यानी कहीं से भी हम इस डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं, हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा तो हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद में आप क्या करेंगे, यूजर भी क्रिएट करेंगे। सो डेटाबेस एक्सेस का मेन्यू मिलेगा, इस पर क्लिक करिए और इसमें आपको जो है यूजर और पासवर्ड क्रिएट करना है, और उसके बाद में आपको जो है परमिशन अलाउ करनी है, जैसे कि रीड एंड राइट की परमिशन आपको देना है। आप चाहे तो न्यू यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं, इस एड न्यू डेटाबेस यूजर पर क्लिक करिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको परमिशन देंगे। देखिए एड बिल्ट इन रोल, फिर इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है रीड एंड राइट टू एनी डेटाबेस, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर ओनली रीड एंड डेटाबेस करेंगे ना तो फिर आप इसमें कोई भी क्रड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में आप एड यूजर पर क्लिक करिए तो न्यू यूजर क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद में आप वापस आएंगे डेटाबेस पर, और यहाँ पे हमको देखिए कनेक्ट का ऑप्शन मिलता है, और अगर यहाँ पे ब्राउज कलेक्शन पर क्लिक करें ना, ये भी बता देता हूँ मैं आपको, ब्राउज कलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो जितने भी डेटाबेस इस क्लस्टर के अंदर रहेंगे वो शो करेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन में डेटाबेस रहेंगे वो यहाँ पर शो करेंगे। आप मैन्युअली भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे डायरेक्टली कनेक्शन स्ट्रिंग की मदद से, क्योंकि नो सिक्वल डेटाबेस है ना तो आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश होगा और कनेक्शन स्ट्रिंग में जो भी डेटाबेस का नाम रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से लेंगे, सो आपको जाना है वापस से डेटाबेस में, और उसके बाद में फिर कनेक्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद में आपको बताना है कि कैसे आपको कनेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉम्पस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग इसमें अच्छा खासा मिल जाता है, और यहाँ पे आई हैव MongoDB कॉम्पस इंस्टॉल, और हाँ आप कॉम्पस भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये एक GUI टूल है जिसमें आप सारे डेटाबेस को देख सकते हैं क्रिएट हुआ है या नहीं। कैसे डाउनलोड करना है, बहुत सिंपल है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, प्रोडक्ट्स में आपको जो है MongoDB कॉम्पस भी मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करिए। देखिए यहाँ पे हमको एक कनेक्शन स्ट्रिंग मिल गया, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना यूजर नेम ऐड करना है, मेरा मत कॉपी करिए मैं हाइड कर दूंगा, और यहाँ पर पासवर्ड ऐड करना है, और उसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर स्लैश के बाद में डेटाबेस का नाम लिखेंगे। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी ये कनेक्शन स्ट्रिंग है तो इसकी मदद से मैं क्या करूंगा, देखिए मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया जो वीडियो मैंने अटैच किया था ना इसके साथ में, उसमें कैसे कंप्लीट ये स्ट्रिंग आपको मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो उस स्ट्रिंग को आपको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, सिंपल यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करना है, तो जितने भी आपके पास डेटाबेस रहेंगे वो यहाँ पर शो करेंगे। मेरे पास देखिए बहुत सारे डेटाबेस है, तो हम क्या करेंगे एक और न्यू डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट करेंगे, लेकिन मैन्युअली क्रिएट नहीं करेंगे, हम थ्रू द क्यूरी करेंगे। जैसे हमारे नोड सर्वर के अंदर कोई भी स्कीमा क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर एक न्यू डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, जो भी आप नाम देना चाहे दे सकते हैं, जैसे कि मैं टू डू इसका नाम रखूंगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे, तो कॉपी किया हुआ कनेक्शन स्ट्रिंग आप क्या करें, पहले शुरू जो है .env की फाइल में ऐड कर दें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक न्यू वेरिएबल बना देंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ mongo_url। अगर आप क्लाउड डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो क्लाउड का कनेक्शन स्ट्रिंग आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, अगर आप लोकल यूज कर रहे हैं तो लोकल वाला आपको पेस्ट करना है। कहाँ से पेस्ट करेंगे, जो भी आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मिला है क्लाउड का वो आपको यूज करना है, नहीं तो फिर लोकल के लिए तो बहुत सिंपल है। देखिए मैं फिर से एक बार जो है ना डिस्कनेक्ट करके बता देता हूँ, यहाँ पर सिंपल लोकल होस्ट के लिए आपको क्या करना है MongoDB:// localhost। मैं काम करता हूँ इसी को, मैं क्या करता हूँ पहले शुरू जो है ना एडिट कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे दो यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग बता देंगे और इसको मैं लोकल कर लेता हूँ, ठीक है यहाँ पर कुछ इस तरीके से लोकल, और इसको पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग कौन सा रहेगा MongoDB:// localhost, और उसके बाद में फिर 27017, और उसके बाद में आपको डेटाबेस का नाम लिखना है। तो हमारे केस में हम क्या करेंगे इसको कर लेंगे टू डू मर्न, तो टू डू की मर्न एप्लीकेशन है इसलिए हमने इसका नाम रखा टू डू मर्न। अब अगर आप क्लाउड डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे सिंपल एक और बना लेंगे mongo_url। लोकल के लिए हमने इसके आगे स्पेसिफाई करके रखा है कि ये लोकल है, और डायरेक्ट के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर डायरेक्ट mongo url। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर क्लाउड का कनेक्शन url जो है पेस्ट कर लेता हूँ,
और इसके बाद में स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे टू डू डैश मर्न, जो भी आपको अपने डेटाबेस का नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसका नाम लिखा टू डू मर्न। सो देखिए यहाँ पर हमने दो कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड कर दिया, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोकली अपने सिस्टम में MongoDB का यूज करना चाहते हैं तो आप इस लोकल वाले वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको क्लाउड यूज करना है तो फिर आप तो सेकेंड वाले URL का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना देंगे पहले शुरू कॉन्फिग के नाम से, तो कॉन्फिग, और इसके अंदर एक डेटाबेस की फाइल क्रिएट करेंगे, इसका नाम मैं रखता हूँ db.js। और हमको डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए जो है MongoDB का पैकेज भी लगेगा, तो MongoDB को अगर आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए एक सेपरेट पैकेज आता है मोंगोस। ये क्या है, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग है नोड जेएस में, ठीक है। जैसे स्कीमा को अगर आपको यूज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, मोंगोस की मदद से काफी इजीली जो है इसको क्रिएट कर सकते हैं, और इसको आप npm js पे भी देख सकते हैं। सिंपल मोंगोस करके सर्च करिए, फर्स्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। इंस्टॉलेशन कमांड आप कॉपी करिए और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं क्या क्या चीजें ये करता है, कितना इंस्टॉलेशन है, तो सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसी तरीके से ऑफिशियल पे भी अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे भी काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, कैसे आप MongoDB डेटाबेस के साथ में कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं, कैसे स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो चलिए इसका यूज करेंगे, चलते वापस VS कोड में, और मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे npm i mongoose इतना लिख के एंटर प्रेस करिए, तो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। देख सकते हैं आप काफी छोटा पैकेज है और ये डाउनलोड हो गया। इसको थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, db.js में जो है ना इसको इम्पोर्ट कर लेंगे, const mongoose इक्वल टू रिक्वायर ऑफ मोंगूस। तो मोंगूस पैकेज में से हमने यहाँ पर मोंगूस को इम्पोर्ट कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्शन स्टैब्लिश करने वाले कैसे करेंगे, हमको क्या करना है, एक फंक्शन यहाँ पर बनाना है const, और इसका नाम मैं रखता हूँ कनेक्ट डीवी इक्वल टू, और ये रहेगा एसिंक फंक्शन, एसिंक फंक्शन फैट एरो, और इसके अंदर हम क्या करने वाले, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे ताकि अच्छे से हम रिस्पॉन्स को और एरर को हैंडल कर पाए। इसी के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कलर्स पैकेज को भी इम्पोर्ट कर देंगे। सो टॉप पे आप क्या करें, कलर्स पैकेज को भी रिक्वायर कर लें, कॉन्स्ट कलर्स रिक्वायर ऑफ कलर्स। कैच के अंदर सिंपल मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो, या फिर बैकटिक में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ MongoDB एरर, और इसके बाद में टेम्पलेट स्ट्रिंग डॉलर कर्ली ब्रेसेस, और जो भी एरर है उस ऑब्जेक्ट को एज इट इज यहाँ पर पास करा देंगे। ट्राई में हमको क्या करना है, कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर होस्ट भी बताना चाहते हैं, इसलिए मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, कॉन्स्ट कॉन कॉन फॉर कनेक्शन, और यहाँ पे हम अवेट करेंगे क्योंकि ये प्रॉमिस है और ये हमको कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एसिंक लिखा, आप चाहें तो देन चेन ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं लेकिन ये ज्यादा ईजी पड़ता है, एसिंक अवेट सिंटैक्स। और इसमें हम क्या करने वाले, मोंगूस का इस्तेमाल करेंगे, मोंगूस डॉट, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर कनेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना है, तो आप लिखेंगे कनेक्ट, ये है एक फंक्शन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे वेरिएबल को एक्सेस कर देंगे प्रोसेस डॉट env डॉट, फिर उसके बाद में आपको लिखना है mongo underscore, अगर आप लोकल यूज कर रहे तो इसके आगे आपको लोकल लिखना है, नहीं तो फिर आप एज इट इज जो फुल URL लिख सकते हैं, mongo URL। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सिंपल एक कंसोल डॉट लॉग का मैसेज यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसको बैकटिक में कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ पे एक मैसेज लिखता हूँ कनेक्टेड टू MongoDB, और इसके बाद में डॉलर कर्ली ब्रेसेस, और कहाँ कनेक्ट हुआ उसको भी शो करा देंगे। तो यहाँ पर मैं अगेन प्रोसेस का, या फिर कनेक्शन है ना अपने पास ऑलरेडी, तो मैं मोंगोज की मदद से कर लेता हूँ, मोंगोज डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट, और इसके बाद में यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, bg कर देंगे साइन, या फिर bg इसको कर देते हैं ग्रीन, इसमें जो टेक्स्ट है वो वाइट करके देख लेंगे होता है या नहीं, ये कुछ इस तरीके से हम इसका यूज कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और नीचे इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू कनेक्ट डीवी, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा डेटाबेस का कनेक्शन बन चुका है। तो इस फंक्शन को आपको क्या करना है, सिंपल सर्वर डॉट जेएस में कॉल करना है, कहाँ पे, डॉट env के बाद में, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ db कनेक्शन, और यहाँ पे हम कनेक्ट डीबी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए सजेशन आपको शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये टॉप पे इंपोर्ट हो जाएगा, और सिंपली हम क्या करेंगे, इसको कॉल कर लेंगे,
कर लेते हैं इसको, और फिर से मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ और एप्लीकेशन को रन करके देख लेंगे कि ये फंक्शन सही से काम करता है या फिर कुछ एरर हमको इसमें देखने मिलता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ npm run server, इतना लिख के मैंने एंटर प्रेस किया। तो देखिए यहाँ पर परफेक्टली हमारा नोड सर्वर MongoDB डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए मैं क्लाउड डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर एड्रेस में जो है क्लाउड डेटाबेस आ रहा है। अगर इसके बदले में देखिए मैं इसको जो है टर्मिनेट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, क्लोज कर दिया मैंने कनेक्शन। और यहाँ पर DBJS में इसके आगे अगर मैं लोकल लिख लेता हूँ, लोकल, मेक श्योर आपने जो .env के अंदर यहाँ पर स्पेलिंग लिखा है ना, वही चीज आपको जो है ऐड करना है। तो वापस से हम इसको रन कर लेंगे npm run server, और यहाँ पे तो कुछ भी शो नहीं कर रहा है, आई थिंक लोकल होस्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसके बदले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो लोकल होस्ट के बदले यहाँ पर हम इसका URL लिख लेंगे 127.0.0.1, ठीक है। यहाँ पर ये भी लोकल होस्ट का एड्रेस होता है तो इसका हम यूज कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं इसको, और db.js में ठीक है यहाँ पर बराबर सर्वर को रिस्टार्ट कर देंगे। npm run server, npm run server, तो देखिए बराबर से अब ये कनेक्ट हो चुका है। तो ये 127 क्या होता है, ये लोकल होस्ट का एड्रेस होता है, तो डायरेक्ट जो है स्ट्रिंग वाला नहीं ले रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर नंबर में उसका एड्रेस लिखा है। लेकिन मैं यहाँ पर क्लाउड डेटाबेस का यूज करूंगा, इसलिए मैं जो है यहाँ पर लोकल को रिमूव कर लेता हूँ MongoURL। तो परफेक्टली देखिए अभी ये क्लाउड क्लस्टर से कनेक्ट हो चुका है। तो सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन में जो है MongoDB का कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, स्कीमा डिजाइन करेंगे, फिर उसके बाद में लॉगिन रजिस्टर और टू डू की सारी फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे।